अरविंद राजभर 9 साल की अवस्था से पार्टी में काम कर रहा है और 9 साल से आज 35 साल हो गया। पढ़ाई भी किया, संघर्ष भी किया, जेल भी गया, लाठी भी खाया, मुकदमे भी झेले, हाथ पैर भी टूटा और उसके बाद भी संघर्ष करता रहा। उस गरीब तक गया जो गरीब खाए बिना मर रहा था, उसको जाके भोजन भी दिया, उसका भी इलाज कराया। जो लोग दवाई के अभाव में अपने दम तोड़ रहे थे, ऐसे लोगों को अपने गाड़ी में बैठा करके लखनऊ लेके गया, लड़कों को लगा करके पूरा ट्रीटमेंट कराया, एसी का टिकट करा के घर भेजा, जिला दर्ज को लगा करके स्टेशन से रिसीव करके घर भेजा और समय समय पर ऐसे लोगों का देख रेख करते हैं। किससे चुनौती मान रहे हैं घोषी? किसी से नहीं, समस्याओं से ऐसी चुनौती मिली है। सामने जो सपा के प्रत्याशी राजीव राय लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तक कि आपके पिता कहे हैं कि वो शेर के बच्चा हैं, शेर जंगल में जाएं। उनके जिम्मे यह कुछ छोटा छोटा काम रह गया है, वो अपना छोटा छोटा यही समस्या उनके पास रह गई, इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं बताया ना, विकास के मुद्दे उनके पास कुछ नहीं। ये बात उनको भी पता है कि अगर यहाँ विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में हो सकता है। एक लास्ट सवाल, राजीव राय कह रहे हैं कि मैं 10 साल चुनाव हारने के बाद यहाँ काम तमाम किए, वो कह रहे हैं कि अरविंद राजभर बता दें कि क्या एक काम किए। यहाँ से अधिकारियों से हमारा प्रोटोकॉल मांग लें, अब प्रोटोकॉल का भंडार लग जाएगा जितना काम यहाँ का मैंने किया जी। बस काम ही नहीं, 18.5 करोड़ रुपया दे करके गरीबों को जगाने का काम किया। वो खुद इस बात को बता दें, उनके विधायक तक नहीं जानते थे कि अगर हम विधायक हैं तो विधायक के पास ऐसा अधिकार है कि किसी व्यक्ति को 500 रुपये से 25 लाख रुपया दे सकता है। उनके विधायकों तक नहीं पता था, खुद अखिलेश यादव को नहीं पता था इसके बारे में। जब हम लोगों ने इसकी चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि आपने इतना काम कर दिया, ये कैसे होता है? जब सिस्टम बताया गया तब जाकर के उनके विधायकों ने देना चाहिए। ठीक है, ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नामांकन भरा आपने? क्या आपने नामांकन किया? हाँ, 3 सेट में नामांकन किया है जनता के आशीर्वाद से। जनता ने कहा है कि आप नामांकन करो और इस बार घोसी से विजय पताका आपका लहराएंगे हम सब। क्या इस समय चल रहा घोसी लोकसभा चुनाव का पूरे मतदाताओं का माहौल? बहुत तेज टेम्परेचर चढ़ा था और टेम्परेचर इतना चढ़ा था कि उस टेम्परेचर को लेकर के जो है विरोधियों के पसीने छूट गए। आज का कार्यक्रम देख करके उनके पैरों तक जमीन खिसक गया। एक सूचना आ रही है कि बसपा के जो सांसद महोदय हैं अतुल राय, आपको समर्थन कर दिया। अब इसके बारे में तो देखना पड़ेगा, अभी तो आप सूचना दे रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? अब हमारे पास सूचना आ जाए, आ जाने से क्या आप पे कितना असर पड़ेगा? अब पहले आ जाए तब ना। तो ये घोसी लोकसभा पे उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा और आप कितने वोटों के मार्जिन से जीतेंगे? जनता तय करेगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता तय करेगी मार्जिन क्या होगा और किसके आने से कितना प्रभाव होगा, जब वो आ जाएगा तब पता चलेगा। पूरे क्षेत्र में कोई गांव नहीं बाकी है जहां पर जाकर के आपने जनसंपर्क या जन चौपाल नहीं लगाया हो, जनता की क्या मिजाज चल रहा है? जनता का मिजाज एकदम ठीक है। घोसी का विकास अगर हो सकता है तो एनडीए परिवार के ही द्वारा हो सकता है, जनता ने ये मन में बैठा दिया। वही राजीव राय कह रहे हैं कि अभी तक कोई काम नहीं किया, जब चुनाव आता है तभी लोग चले आते हैं। अरे उनको भाजपा में आ जाना चाहिए, अगर विकास का परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और उनको विकास की परिभाषा अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा और दिखेगा भी। वो समाजवादी का चश्मा उतार दें तो उनको दिखने लगा हर चीज, इसलिए कह रहा हूँ ना कि उनको खुद इलाज कराने की आवश्यकता है। 3 सेट में जी सर, क्या मुद्दे रहे आपके? बहुत मुद्दे हैं। अरे भाई, विकास के मुद्दे होते हैं, गांव की समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाएगा। जो काम नहीं हो पाया है उसको आने वाले समय में मिलजुल के सब लोग करने का। जो ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? अरे भाई, वो भीड़ ना रहा, पैसा भी देंगे लोग, वो पैसा भी देंगे। सुनने में आया कि मैं नेताजी ने कहा है कि 500 रुपया कौन देगा, तो पूरी भीड़ ने हाथ उठा दिया। हम उसी भीड़ में अगर खाली पैसा मांग देते लोगों से तो अपराध पैसा हमको दे देते हैं। तो जो अपना संसाधन करके यहाँ तक आ सकता है वो एक वोट नहीं गांव को दिलवा सकता है। 4 जून किसके नाम सर? 4 जून एनडीए परिवार के नाम भैया। खेलेगा? अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, जो एनडीए गठबंधन से घोसी से प्रत्याशी हैं। ये तमाम मुद्दों पर वो बातें किए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं ये तो ज़रूर रिकमेंड करके बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।